नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत जैसाई के सरपंच वीरेंद्र शर्मा उर्फ वीरू पंडित को राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मुंडावर के जसाई गांव सरपंच वीरेंद्र पंडित को राष्ट्रीय राजस्थान प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें संगठन के हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया, भागीरथ यादव, नरेंद्र सारण, आशा मीणा सहित संघ के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन जिला प्रतापगढ़ के तत्वाधान में सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल धरियावद में हुआ समापन समारोह का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा व प्रदेश अध्यक्ष सीपी आर्य के निर्देश पर धरियावद पुलिस थाने के जवानों व समाज सेवियों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि तहसीलदार शांतिलाल जैन अध्यक्षता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह घटेला ने की। अतिथि CI प्रदीप कुमार मेघवाल, अनिल वक्तावत, प्रदीप कुमार कोठारी, रेखा चौधरी, चंद्रपाल सिंह राणावत, शांति लाल मीणा रहे, SI ईश्वर लाल, RSE राजेश कुमार, चालक तेजीराम, RSG राधेश्याम कमांडो, RSE लेखराज पुलिस के जवानों का संगठन का मोमेंटो पार्क फूल मालाओं से हुआ सम्मान। बीते दिनों हुई थी घटना, इनोवा गाड़ी नदी में गिरने पर पानी के तेज बहाव से पिता सहित दो मासूम बच्चों को बचाई थी जान। समाजसेवी गौसेवक राजेंद्र सिंह सोलंकी, भूखे लोगों का एक वक्त का पेट भरने वाले रोटी बैंक संचालक सैयद जुबैर अहमद का भी हुआ सम्मान। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन समारोह के मंच में कई जन समस्याएं प्रशासनिक अधिकारी के कानों तक पहुंची। अधिकारियों ने भी समस्याओं को लेकर आश्वासन किया। लंपी बीमारी को देखते हुए जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ धरियावद समाज की ओर से समाज सेवी प्रताप मेहता ने 15,000 रुपये की घोषणा की। सदर पुलिस ने पिता पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने पिता के सर पर धारदार हथियार से हमला किया था। हमले में पिता कैलाश के गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने सदर थाना इलाके के नयासर निवासी अंकेश कुमार को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी इस मामले में पिछले 4-5 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस की ओर से आरोपी की लगातार तलाशी की जा रही थी। अंकेश ने अपनी पत्नी, बेटों और बहन के साथ भी मारपीट की थी। घर में रखे फ्रिज, कूलर सहित अन्य सामान को तोड़ दिया था। अपने पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में नयासर निवासी कैलाश चंद्र कस्बा की ओर से 26 मई 2022 को बेटे के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बेटे अंकेश के खिलाफ गंभीर मारपीट करने, घर में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी देने और जान का खतरा होने की शिकायत दर्ज की थी। थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने मीणा ने बताया कि आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है सूचना मिलने पर टीम की ओर से दबिश देकर आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है। पिलानी कस्बे में चोरी की बड़ी वारदात की खबर निकलकर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिलानी कस्बे के लोहारू रोड पर अशोक गुप्ता के मकान में चोरी की घटना घटित हुई। पीड़ित अशोक गुप्ता ने बताया कि वह 19 सितंबर को इलाज के लिए सहपरिवार जयपुर गए हुए थे। 5 दिन बाद आज 26 सितंबर को जब घर लौटे तो देखा घर के अंदर के दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और घर में सामान बिखरा हुआ था। घर संभाला तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे तथा अलमारी से नकदी व गहने गायब थे। चोरी की घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं घर में लगे CCTV में 25 सितंबर की रात एक युवक दीवार फांद कर घर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता और लोहारू रोड पे मेरा मकान है, वार्ड नंबर 30 में। हम परिवार सहित 19 तारीख को जयपुर गए हुए थे घर पे ताला लगा करके, और पत्नी का इलाज कराने के लिए उन्हें SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराना था।
तो 19 तारीख को हमने उनको एडमिट कराया था और 5 दिन बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। और फिर हम लोग 26 तारीख को सुबह जब उसे पिलानी लौट के आए तो जैसे घर के मेन गेट के ऊपर तो लॉक लगा हुआ था और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो घर के दरवाजे के ताले तो टूटे हुए मिले और कमरों के अंदर घुस के देखा तो अलमारियों को तोड़ करके उनमें से कीमती सामान गायब मिला और सारा सामान हर कमरों में बिखरा हुआ मिला और ताले टूटे हुए थे और उसमें से नकदी भी गई है, उस ज्वेलरी भी गायब है और इस तरह से हमारे घर में चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में देखने से पता चला कि 25 तारीख की रात को 12 बजे के लगभग एक बंदा घर में दीवार फांद करके घुस रहा है, जो लाल रंग की शर्ट और पैंट पहने हुए है और एडिडास के उसके जूते दिख रहे हैं। उम्र में लगभग 25-26 साल का लड़का दिख रहा है और वो अंदर मकान में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा, मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था इसलिए उसका साफ चेहरा नहीं दिख रहा। और ये रात को अंदर मकान में प्रवेश करके इन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साल पहले व्यक्ति का एटीएम में रुपए निकलवाने की सहायता के जरिए एटीएम बदलकर 2,70,000 रुपये निकालने का आरोपी गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि 30 सितंबर 2020 को महेंद्र सिंह पुत्र मेहरचंद निवासी विरोध ने मामला दर्ज करवाया था कि वह 25 सितंबर 2020 को शाहजहांपुर SBI बैंक में ATM से पैसे निकाल रहा था, तब एक व्यक्ति द्वारा उनकी सहायता करने के बहाने ATM बदल लिया। ATM बदल कर 2,70,000 रुपये उनके खाते से निकाल लिया। व्यक्ति को 29 सितंबर को जब पता चला तो उसने बैंक में जाकर ATM बंद करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज सोमवार को मुलजिम वसीम पुत्र अशरफ जाति सक्का निवासी घाघोट थाना चांदहट जिला पलवल हरियाणा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस ने ATM भी बरामद किया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए VMR भारत TV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।